2022? इसका मतलब मैं 2022 में आ गया हूँ। आई नो ब्रो, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैं 2022 में आ गया हूँ। अभी तो 2017 चल रहा था यार। अगर तुम भी मेरी तरह एक सेल्फ प्रोक्लेम 90s किड हो ना, देन प्रोबेबली स्टार के फैंटेसी शोज ने तुम्हारे बचपन को भी शेप किया होगा। दज्जाल के 7 सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हातिम का एडवेंचर्स में जाना, या फ्रूटी का एक वीडियो गेम में फंस जाना बिकॉज ऑफ अ कंप्यूटर वायरस, जिया का पैम को बैगन बना देना, और एक ऐसी आत्मा जो बस इलेक्ट्रिसिटी से ट्रांसमिट करती है। ऐसी सारी शोज ने मुझे बचपन में वियर्डली कुछ अलग, कुछ हटके, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए इंस्पायर किया था। और इन सारी शोज में से मेरा फेवरेट था शाकला का बूम बूम। इस शो का प्रोटैगनिस्ट था संजू, द मशरूम हेयरकट बॉय विद द मैजिक पेंसिल, जिससे वो जो भी बनाता सच हो जाता। संजू की फ्रेंड्स थे रितु, पार्थो और जग्गू, और इन सबकी पर्सनालिटीज एक वर्ड में समराइज हो सकते थे। नहीं, उसके और भी फ्रेंड्स थे, करुणा थी, चंदू था, टिट्टो था। एनीवे, तो ये स्टोरी तो सबको याद होगा, बट डू यू नो दैट दिस वाज जस्ट सीजन 1? जी हाँ, शाकला का बूम बूम के टोटल 4 सीजन थे, और ये इन्फॉर्मेशन बस मुझ जैसे प्रो फैंस को पता होगा। सीजन 2 वाज ऑल अबाउट दिस एलियन कॉल्ड शान, जो धरती पे आता है और 4 बच्चों की हेल्प करता है, लाइट सेबर से गुंडों को फाइट करता है, काइंड ऑफ लाइक कोई मिल गया मीट स्टार ट्रेक, स्टार वॉर्स, आई डोंट नो। थर्ड सीजन में शान, संजू और जोया एक मैजिक स्कूल में पढ़ने जाते हैं जिसका नाम है जादू हाई, एंड यस, इट डज सीम इंस्पायर्ड बाय हॉगवर्ट्स, लाइक रियली इंस्पायर्ड, लाइक रियली रियली इंस्पायर्ड। एंड द फोर्थ सीजन इज SLBB 2022। प्रिमाइज यह है कि संजू जब जादू हाई से अपने घर मैजिक कारपेट में लौट रहा था, तो वो एक टाइम फॉग में फंस जाता है, वो एक गलत स्टेप लेता है और आगे फ्यूचर में 18 साल बाद चले जाता है। सो फ्रॉम 2004 to 2022। सो बिकॉज आई वॉज अ हार्ड कोर शाकला का बूम बूम फैन, मैं इसको पूरी आखिरी एपिसोड तक देखा। 2004 में मैंने प्रण लिया था कि बड़ा होकर एक बड़ा यूट्यूबर बनूंगा, और 2022 में इस शो को रिविजिट करूंगा। जोक्स अपार्ट, आई थिंक इट्स रियली सरियल कि हमारे बचपन में हमें जिस साल को फ्यूचर के एग्जाम्पल के तौर पर पेश करा गया था, आज हम उस साल में एंटर कर रहे हैं। बॉय, दैट मेक्स मी फील ओल्ड। इस शो ने 2022 के काफी फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स इमेजिन किए थे, एंड नाउ दैट वी आर इन 2022, हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि इस शो के प्रेडिक्शंस कितने सही और कितने गलत साबित हुए। तो चलो, लेट्स रिव्यू ऑल द प्रेडिक्शंस दैट द शो मेड, एंड देखते हैं कि वो कितने एक्यूरेट हैं। लेट्स बिगिन। नंबर 1, स्मेका। जैसे ही संजू 2022 में एंटर करता है, वी हियर फ्रॉम दिस येलो स्पीकर बॉक्स अबाउट द सिक्योरिटी कार्ड कॉल्ड स्मेका। अपना सिक्योरिटी कार्ड स्मेका हमेशा तैयार रखिए, आपकी किसी भी टाइम सिक्योरिटी चेकिंग हो सकती है। ऑथराइज्ड SM थॉमस, प्रिंसिपल। स्मेका, ये क्या है? फिर जब संजू को गार्ड्स अरेस्ट कर लेते हैं, तो वो भी संजू को उसके स्मेका कार्ड के बारे में पूछते हैं। तुमने स्कूल के सिक्योरिटी को ब्रीच क्यों किया, और तुम्हारा स्मेका कहाँ है? स्मेका? नाउ, इस शो में कभी कुछ एक्सप्लेन किया नहीं जाता कि ये स्मेका आखिर है क्या, but my guess is that it could be something like a smart electronic card, smeka, I don't know, that's just my guess. Police bhi jab Sanju ki identification ke bare mein poochti hai, then they notice ki Sanju ka koi smeka card nahi hai. Uska koi identification, smeka, eye scanning, kuch to kiya hoga usne. This all points to the fact that smeka is some kind of an identity proof for every person. संजू को फिर गार्ड्स जब IT प्रिजन में ले जाते हैं, तो उसके आई स्कैन किए जाते हैं, और ये सिस्टम उसकी पूरी हिस्ट्री बता देती है। नाम संजू, स्टूडेंट क्लास 2008, 3 बार क्लास 8 में फेल हुआ, स्कूल से निकाल दिया गया। Which means that there is a certain kind of biometric information जो कि stored है with a person's profile. All of this reminds me of our Aadhaar system, जहां हमारे eyes के साथ हमारे fingerprints भी एक ID के साथ एक national database में stored हुए हैं। हमारी हर national activity में इस number का use होता है। So in many ways I feel we have something like a smeka today, जिससे हर citizen की biometric और personal data linked हुए हैं। इस शो में संजू के एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी स्मेका के साथ लिंक्ड किया गया है। देयरफॉर व्हाइल आई थिंक इट इज अ प्रीटी एक्यूरेट प्रेडिक्शन, स्मेका सीम्स टू बी फार मोर डिस्टोपियन देन व्हाट आधार इज, सो आई विल गिव दिस प्रेडिक्शन अ गुड 9 आउट ऑफ 10।
मूविंग ऑन। नंबर टू, ऊबर सेल्फ ड्राइविंग कार्स। संजू जैसे ही अपने स्कूल से निकलता है, ही सीज दिस वॉइस कंट्रोल टैक्सी कॉलिंग पोल, जो कि संजू से पूछकर एक टैक्सी ऑर्डर कर देता है। एंड वेल, द टैक्सी अराइव्स टू हिम इन नो टाइम। एंड गेस व्हाट, द टैक्सी इज ड्राइवरलेस, सेल्फ ड्राइविंग कार। संजू बैठने के बाद एक कीबोर्ड देखता है जिसमें उसे अपना डेस्टिनेशन एड्रेस इनपुट करना होता है। द कार ऑल्सो हैज अ एआई वॉइस व्हिच टेल्स हिम कि चिल्ड्रन के लिए ट्रांसपोर्टेशन फ्री है। So it gets dropped to his destination free of charge. Interesting. So a lot of points here. While self-driving technology is actively under development at Uber and other cool places, we are nowhere near commercial usage. At least India mein toh nahi. Also, our mobile devices are much better for inputs than keyboards like this, as the show imagines. And we definitely don't have socialist policies like transportation bachchon ke liye free hona. But the closest we have to this idea is Uber, jisme you can call the taxi to you. Also, aajkal kafi cars smart hone lage hain, where AI is built into the cars. Tesla ka example hi le lo. But none of this is so ubiquitous in 2022 as the show shows. Abhi to hum electric vehicles hi popularize karne mein lage hain. And yes, hamare paas voice assistants hain like Alexa and Google, but they still live in our phones and electronic devices and they're not deployed in everyday objects around our cities. So I think we can give this idea a good 5 out of 10. Okay, next. अर्लियर स्कूल के गार्ड ने मेंशन किया था कि पूरे सिटी में देयर्स अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ सीसीटीवी कैमरास जिससे पुलिस क्राइम होने से पहले ही डिटेक्ट कर सके। इस शहर में चारों तरफ हमारे सर्वेलेंस कैमरा लगे हुए हैं। अगर कोई कुछ गड़बड़ करने की अगर सोचेगा भी तो हमारे हाथों से पकड़ा जाएगा। ना वो ज्यादा डिटेल्स तो नहीं देते, बट आई फील दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, जहां पे सर्वेलेंस कैमरास कैन पॉइंट आउट व्हिच पर्सन इज डूइंग व्हाट एंड अलर्ट द अथॉरिटीज इफ समथिंग फिशी इज हैपनिंग। So I don't think ये हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा common है, but in countries like China, this is a way of life. So I think we can give this prediction a good 8 out of 10. संजू की 2022 में आई स्कैनर सब तरफ हैं। अपने घर को एंटर करने के लिए भी संजू को एक आई स्कैनिंग डिवाइस से गुजरना होता है। Security cleared. Enter. घर में जाने के लिए भी आई स्कैनिंग। Now, हमारे टाइम में आई डोंट थिंक हम आई स्कैनर्स का इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं। But we certainly have something similar. We use RFID scanners and fingerprint readers in most corporate offices today. So मुझे लगता है कि prediction काफी close है. Let's give it a good 9 out of 10. अपने घर पहुंचने के बाद संजू is shocked to find it all abandoned. जब वो अपने बेडरूम में होता है तो वो किसी की आने की आवाज सुनता है और अपने टेबल के नीचे छुप जाता है. संजू sees that this black jacket intruder has a gun with him. फिर वो अपने साइबर कंप्यूटर जैसे डिवाइस में कुछ करने लगता है। इसके स्क्रीन का डिस्प्ले सीम्स टू बी फ्लोटिंग इन द एयर। नाउ ऐसा आज पॉसिबल है यूजिंग ऑगमेंटेड रियलिटी, बट हमें इसको एक्सपीरियंस करने के लिए एक स्क्रीन या एक वेयरेबल डिवाइस की जरूरत होगी। बिना किसी स्क्रीन या वेयरेबल के ऐसा डिस्प्ले क्रिएट करना बस एक टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है, और वो है होलोग्राम। होलोग्राम्स हेल्प यू सी वर्चुअल थिंग्स विदाउट द नीड ऑफ अ वेयरेबल डिवाइस। होलोग्राम टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफी सारा रिसर्च तो हो रहा है, बट इट इज नोवेयर क्लोज टू कमर्शियल यूसेज। सो समथिंग लाइक दिस क्वाइट डिफिकल्ट। सो लेट्स गिव इट अ गुड 5 आउट ऑफ 10। वी फाइंड आउट दैट दिस गाय इज अ क्रिमिनल कॉल्ड सैंड्रोस, जिसके पीछे पुलिस हाथ धोकर पड़ी है। पुलिस संजू के घर पे रेड मारती है, बट सैंड्रोस संजू को हॉस्टेज बनाकर निकल लेता है। दोनों फिर पहुंचते हैं एक अबैंडन्ड गोडाउन में, जहां सैंड्रोस संजू को बताता है कि वो एक साइबर हैकर है जो कि बैंक से डिजिटली पैसे चुराने में एक्सपर्ट है। संजू कॉन्स्टेंटली डिसलाइक्स सैंड्रोस बिकॉज वो एक क्रिमिनल है, और दोनों में बहुत ज्यादा तूतू-मैं-मैं चलता रहता है। फ्रस्ट्रेटेड संजू गोडाउन से भाग जाता है और उसे कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं और टेनिस बॉल्स से मारते हैं। अनयूजुअल, बट संजू को बचाने के लिए आ जाता है सैंड्रोस, जो कि गुंडों की धुलाई करता है, एंड संजू आई गेस स्टार्ट्स वार्मिंग अप टू हिम। Kind of like how Pikachu warms up to Ash after the battle with those bird Pokemons. No one? Nobody? Okay. Meanwhile, police Sandros ko dhoond rahi hai, and we see them use some kind of GPS tracking interface and also an alerting device jo ki unke bike mein integrated hai. I think aaj ke time pe, thanks to Google Maps, mapping problem is pretty much solved. So that is a very realistic prediction. I will give it a perfect 10 out of 10. And remember that this show is being made in 2004, जहां internet, mobile phones कुछ नहीं है. So this is a bold prediction, even if it seems so ubiquitous today. That's like the third time I'm saying ubiquitous. Anyway, so back in the go down, हम देखते हैं कि दोनों लड़के एक game खेल रहे हैं,
यूजिंग अ डिवाइस जो संजू को मिलता है गोडाउन से। बट इंस्टेड ऑफ अ गेम लाइक फीफा, ये दोनों एक एक्शन गेम खेल रहे हैं जो कि इतना ज्यादा रियल है कि एक मूवी से उठाया गया है। यस, द शो लिटरली एक मूवी प्ले करती है और हमें कन्विंस करने की कोशिश करती है कि ये दोनों एक गेम खेल रहे हैं। वैसे आज के टाइम पे गेम के ग्राफिक्स काफ़ी रियलिस्टिक हो चुके हैं, गेमिंग कॉन्सोल्स भी काफ़ी कॉमन है, सो हम इस आइडिया को देख सकते हैं अ गुड 9 out of 10। एक पॉइंट इसलिए काट रहा हूँ बिकॉज वी डोंट हैव हाइपर रियलिस्टिक गेम्स लाइक दिस जो कि एक मूवी की तरह दिखती है। ऑल राइट, सो अब वो प्लॉट ट्विस्ट जो शायद तुमने फिगर आउट कर ही लिया होगा। फाइनली ये दोनों रियलाइज करते हैं कि सैंड्रोस ही संजू का फ्यूचर वर्जन है, दे आर द सेम पीपल। तुम सोचो कि कितना ज्यादा ऑब्वियस था ये, बट उनको ये डिड्यूस करने में 6 episodes लगते हैं। सैंड्रोस पे संजू को अपनी बैक स्टोरी सुनाने लगता है। वो बताता है कि दो गैंगस्टर्स कॉल माधवन एंड नटवर ने संजू के मैजिक पेंसिल के लालच में आकर उसके पेरेंट्स का खून कर दिया था। अपने पेरेंट्स के गुजरने के बाद संजू अपने दोस्तों के घरों में रहने लगा, बट वहां भी मैडियन नर्स के धमकियों की वजह से उसे वहां से जाना पड़ा। वो स्कूल में भी अपने लाइफ के इश्यूज के कारण अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था तो उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया। गुस्से में आकर वो अपने मैजिक पेंसिल भी फेंक दिया। फाइनली जिंदा रहने के लिए उसे इलीगल एक्टिविटीज करने लगे, जैसे कि लोगों के सिग्नेचर्स फॉर्ज करना, एंड दैट इज हाउ संजू बिकेम अ क्रिमिनल। संजू बिकेम सैंड्रोस। कितनी ज्यादा ट्रेजिक और ट्रॉमेटिक स्टोरी है, बट मजा आ ले किसी की कि हमारे संजू को ये इम्पैक्ट कर सके। संजू को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसके पेरेंट्स अब नहीं रहे। The only thing he cares about is that Sandros is a criminal and उसे future में criminal नहीं बनना। वाह मेरे शेर, वाह। कुछ episodes के बाद we see that the police officer Sheena इन दोनों को ढूंढ लेती है, but इनकी कहानी सुनने के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है and she empathizes with them। Therefore वो Sandros को गोडाउन से escape करने में help करती है। वो एक plastic surgeon को invite करती है to help Sandros change his face and escape। I don't know, मैं इस prediction के बारे में कैसे फील करूँ, बिकॉज एकता कपूर ने तो ये प्लास्टिक सर्जरी 2000 में ही इन्वेंट कर लिया था। गैजेट्स थोड़े कम फैंसी थे बस। Another medical innovation this show predicted was the instant healing drops, जिससे कोई भी इंजुरी instantly हील हो जाती है। So, कितने realistic हैं ये predictions? Sure, आज हमारे टाइम पे CRISPR जैसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम काफी ईजिली एक जेनेटिक लेवल पर चेंजेस कर सकते हैं। वी ऑल्सो हैव स्टेम सेल टेक्नोलॉजी जिससे हीलिंग और रिकवरी काफी आसानी से हो सकती है, बट समथिंग दिस इंस्टेंट, वेरी डिफिकल्ट। ऑल्सो वाइल हम रोबोट्स का यूज करते हैं सर्जरीज में, देर इज नथिंग दैट इज सो पेनलेस एंड सो इंस्टेंट। सो आई विल से दैट द मेडिकल इनोवेशन के सारे प्रेडिक्शंस, दे गेट अराउंड 2 out of 10। शो के एंड की तरफ ये दोनों फिगर आउट कर लेते हैं कि जिस डिवाइस से ये लोग गेम खेल रहे थे वो असल में एक टाइम मशीन है। संजू एंड सैंड्रोस डिसाइड करते हैं कि इसके मदद से वो पास्ट में जाएंगे और अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेंगे एंड ऑल्सो उनको बचा भी लेंगे। बिकॉज ऑफ अ ग्लिच दो 2004 के बजाय आदम काल के जमाने में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे वो काफी एडवेंचर करते हैं और काफी जद्दोजहद के बाद दे डू मैनेज टू कम बैक टू 2004, जहां वो मैजिक पेंसिल की मदद से अपने पेरेंट्स को बचा लेते हैं। Towards the end, Maddie and Nuts arrest हो जाते हैं। पुराना संजू 2004 में अपने parents के साथ रह जाता है और नया संजू 2022 में वापस चला जाता है with a new love angle with the police officer Sheena, which no one saw coming. Anyway, so ये prediction को मैं दूंगा 0 out of 10 because we are nowhere closer to time travel. Certainly हम quantum level पे space time को समझने में काफी smart हो गए हैं। बट द मोर वी लुक एट द यूनिवर्स द मोर वी रियलाइज कि हमें कोई क्लू नहीं है कि क्या चल रहा है। सारांश, टाइम ट्रैवल इज स्टिल अ थियोरेटिकल थॉट प्रोसेस एंड वी हैव आइडियाज लाइक वर्म होल्स और पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, बट नथिंग लाइक अ डिवाइस फॉर ह्यूमन ट्रैवल। सो या, इफ आई कुड गिव नेगेटिव स्कोर्स, दिस वुड बी दैट आइडिया। ऑलराइट, सो दैट वाज अ क्विक समरी ऑफ हाउ शाकालाका बूम बूम थॉट अबाउट द ईयर दैट नाउ वी आर गोइंग टू लिव इन। आई थिंक दे डिड रियली अ गुड जॉब, बट कुछ लोग बोल सकते हैं ये क्या हुआ प्रेडिक्शन, या क्रिप्टो करेंसीज नहीं आए, वर्चुअल रियलिटी नहीं आया, व्हाट अबाउट द फ्रीकिंग पैंडेमिक, दे मिस्ड दैट। बट आई डोंट थिंक इट इज अबाउट व्हाट दे प्रेडिक्टेड, आई थिंक इट्स द आइडिया इन इटसेल्फ। आई ग्रू अप ऑन दिस शो एंड आई रियलाइज आई लव्ड इट बिकॉज दिस शो वाजंट टीचिंग मी गुड एंड बैड, इट वाजंट शोइंग मी व्हाट आर द गुड मोरल्स टू फॉलो। ये मेरा थिंकिंग को चैलेंज कर रहा था,
It made me ask questions like, what if an alien came to India instead of the United States? What if hum school mein magic seekh paate, cheezon ko uda paate? You know, things that fantasy allows you. Even during that time, there were so many interesting shows like Sonpari. These stories made you think big, think differently, think creatively. Even cartoons those time weren't just for humor. They also triggered ideas in your mind. They made us fear, they made us feel unexpected concepts. Courage the Cowardly Dog addressed concepts like pedophilia through this creepy barber who was tormenting Courage and making him feel unsafe. It gave us words to concepts that we never experienced. It gave us a language to think about the concepts that we always felt but could not express. I personally feel ki aaj main life ko jaise dekhta hun, a big part is shaped by the fantasy shows that I watched as a kid. I did not have access to Harry Potter ke books or English content coming from a middle class family. So growing up, these were the shows jinhe main Hindi mein dekhta tha. And I was constantly fascinated by them. Now when I look at the content jo mere bhanje bhanji dekhte hain, it is so extremely dumb. It does not challenge you in any way. It does not make your imagination run wild. What about magic? What about excitement about the world? I think I found Chakalaka Boom Boom 2022 so fascinating because this is how I think. I constantly keep wondering where India is going. How would our time be like in the future? Would we still live here on this planet, or will there be a new India even on Mars? In many Western cultures, cities have a concept of a time capsule where people leave letters for the future. We have documentaries in which kids talk about how 2000 would be like. And I feel this kind of self-reintrospection helps us plan our future. It helps us have a common vision for the future. Not just walk around aimlessly, without any plans, without any goals. I think it's really nice that someone, somewhere, thought this way back in 2004, that this is a nice idea that's worth sharing with kids, that kids should probably be exposed to. I'm glad this show exists. I'm glad this idea stays with me, because it makes me approach 2022 with so much more excitement. I think that was enough rant. I'll take a leave now. But I'll be back in 2040 to review the Harman Baweja starrer Love Story 2040 and see how the film got 2040 right. So chalo, until then, Ittu Bittu Jim Batuta. Ab usse sahi karne ka waqt aa gaya hai, Nakwar. Don't call me that outdated. Nuts. Nuts. Now I am nuts.